हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बालों को मेहंदी हम किस तरीके से लगाना चाहिए कि हमें दोगुना फ़ायदा मिले, और किस तरीके से हमें नहीं लगाना चाहिए कि फ़ायदे की वजह हमें नुकसान हो। मेहंदी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बालों को पोषण देती है, कंडीशनिंग करती है और बालों में नई शाइन लाती है। मेहंदी को बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर माना गया है। कई लोग बालों को कलर करने के लिए भी केमिकल वाले कलर के बजाय मेहंदी या हिना पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों को अच्छा रंग और शाइन मिलती है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा देर तक सर पर लगाए रहेंगे तो कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जानिए मेहंदी को बालों पर कितनी देर तक लगाए रखना सेफ है, साथ ही इसमें हम क्या मिलाएं ताकि हमारे बाल ड्राई ना हो, क्योंकि मेहंदी से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई लोग बालों में मेहंदी लगाने के 4 से 5 घंटे तक उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग तो रात भर इसे छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है और आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। हेयर एक्सपर्ट बताते हैं कि बालों को अगर काला करने के लिए आपने मेहंदी लगाई है तो 1.5 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। अगर कंडीशनिंग के लिए हमने मेहंदी लगाई है तो आप उससे 45 मिनट से ज़्यादा बालों में ना रहने दें। मेहंदी लगाने से आपके बाल रफ़ हो सकते हैं। मेहंदी घोलते वक्त इसमें ऑलिव ऑयल मिला लें या जो भी आप तेल इस्तेमाल करती हैं आप 2 टेबल स्पून उस पर मिला लें। अगर कंडीशनर के तौर पर मेहंदी लगा रहे हैं तो इसमें दही मिला लें, आपके बालों को शाइन मिलेगी। वहीं बालों को अच्छी तरह शैम्पू करने के बाद बालों को सुखा लें। जब बाल हल्के गीले हो तो आप इसमें जो तेल इस्तेमाल करते हैं बालों में वो लगा लें। ज़्यादातर हेयर एक्सपर्ट बालों को कलर करने के लिए मेहंदी के इस्तेमाल के लिए मना करते हैं। आजकल मेहंदी में भी बहुत ज़्यादा केमिकल मिले होते हैं। अगर आप मेहंदी लगाना ही चाहते हैं तो बिना केमिकल वाला हिना पाउडर ज़रूर यूज़ करें। सिर पर मेहंदी लगाने के बाद या उसके दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। बालों पर मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू से अच्छी तरह धो लें, इसके बाद बाल सुखाते हैं। जब वो हल्के गीले रह जाए तो ही तेल लगाएं। मेहंदी बालों को ड्राई बना सकती है, इसलिए मेहंदी घोलते हुए आप उसमें कोई भी जो भी आप तेल यूज़ करती हैं बालों के लिए आप उसमें तेल मिला सकती हैं। 1 या 2 टेबल स्पून आप मिला लें। इसके अलावा मेहंदी में दही मिलाकर भी बालों को कंडीशनिंग की जा सकती है। बालों बाजार में मेहंदी पाउडर खरीदते हुए ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इसमें भी केमिकल मिलाया जाता है और जो कि बालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेहंदी को सही मात्रा में सिर पर लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लगाने से सर में दर्द और भारीपन होने लगता है। मेहंदी अच्छी है या नहीं इसके लिए पहले आप थोड़ा अपनी त्वचा में स्किन पर कहीं पर लगा के देखें, ताकि आपके बालों में सर पे एलर्जी ना हो। तो पहले आप एलर्जी है या नहीं देखने के लिए आप अपनी स्किन पे लगा के देखें। अगर एलर्जी हो रही हो तो बालों पे बिल्कुल ना लगाएं। कुछ लोगों को मेहंदी का उपयोग सिर पर करने से खुजली की समस्या होती है, बहुत से लोगों को मेहंदी से एलर्जी भी हो जाती है, तो उनको बालों में मेहंदी लगाने से बचना चाहिए। तो देखिए मेहंदी को इसी तरीके से लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेहंदी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और बालों में एक नेचुरल सा कलर आता है और बहुत अच्छी शाइन भी आती है। मेहंदी लगाने से बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो आप इसे इसी तरीके से लगा के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएगा, और मेहंदी लगाने से बाल तेज़ी से बढ़ते भी हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।